कैसे हो मैम? लुकिंग वेरी प्रीटी मैम। इधर आ जाइए मैम, इधर आ जाइए, ये दीवार पे आ जाइए। इस तरफ मैम, इस तरफ मैम। यू हैव टू रीड दिस। रुक ना, पहले मैं मोबाइल कर लूं। उनका मोबाइल कैरी कर लो मैम का, और मैम को फ्लैग दे। मार्क्स भी दे। थैंक यू। तो मैम यहां पे मैं बस विशाल मोबाइल सीधा करो था। मोबाइल उल्टा दे मैम। सो टुमारो रिपब्लिक डे इज देयर, सो हाउ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस डे? ऑब्वियसली बहुत बहुत खुशी है, यू नो 26 जनवरी हर कोई इंतज़ार करता है इस दिन का, और हम सब सेलिब्रेट करेंगे और मैं भी सेलिब्रेट करूँगी, यू नो अनफर्लिंग ऑफ द फ्लैग हमारी, यू नो वेयर आई स्टे वहाँ पर भी ये होगा, तो मैं डेफिनेटली वहाँ जाऊँगी, और यू नो दिस इज़ सम अदर फीलिंग, एक अलग फीलिंग है, और आई थिंक इट्स टाइम वे वी ऑल कैन बी प्राउड टू बी इंडियन, और मुझे लगता है और बेहतर यू नो इंडियन बनने के लिए हमें वो करना चाहिए ज़िंदगी में। एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट यू नो आई एम प्रीचिंग अबाउट इट, बट पर्सनल इवन आई वुड लुक इनटू इट कि मैं भी कोशिश करूँ कि हम और ज़्यादा बेहतर हिंदुस्तानी कैसे बन सकते हैं बाय जस्ट बीइंग बेटर यू नो ह्यूमन बीइंग्स, और दूसरों को भी जीने दें और ख़ुद भी शांति से जिएं, और यू नो जस्ट बी गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड यू नो हेल्प एनीवन इफ यू कैन हेल्प योर फेलो सिटीजंस। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू दिस टाइम। एक रिपब्लिक विश आपके नाम पे। अ वेरी 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 हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द इंडियंस। आई लव यू ऑल, बी प्राउड टू बी इंडियन बिकॉज इट इज अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ, यू नो, एंड आई लव यू। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। मैं फटक से हां मैं नहीं करूंगा आपसे। So ma'am, are you following Big Boss? Big Boss 15 is also going on, so are you following? Sorry. Abhi ye main hand mein rakhun, like agar aap aur next 15, Big Boss 15 is going on and it is going really well. So kis tarah se aap follow kar pa rahe ho Big Boss 15? I am following. Bahut zyada maine nahi dekha hai, but yes, I have seen bits and pieces on social media, you know, they post. I think it's good, it's going good, और अब तो you know grand finale भी उनका होने वाला है, कुछ ही contestants बचे हैं, तो may the best one win. And who is your favorite contestant? I think I like few, I like Rakhi, how Rakhi is playing, I like Shamita, and yeah, I think I like them. I like Rakhi and Shamita. And what do you want to say about Karan Tejasvi, the Tejran combination? I think they're cute as a couple, I like them together, Karan and Tejasvi. They are playing good together as well. It's good to see a you know lovey-dovey couple also in the show. And you have heard about Umar Riaz, who recently got evicted, and the thing was very unfair with him. So what do you want to say about the that eviction? Yeah, see, very honestly, na for me, everybody who's there in the show, jisne itne matlab mahine nikale hain wahan pe, he's winner. Because आसान नहीं होता, you know, it's not easy to be in a place where you don't know anybody, without any, you know, social connection, without any internet and everything, you just have to be with the people who you don't even know and you have to bear them no matter what. So I think हर कोई winner है जो वहाँ ये कर चुका है, and Umar also, I liked him the way he played, and I think whatever happens, happens for a reason. So अगर वो eviction रहा है तो आई थिंक देर मस्ट हैव बिन फ्यू यू नो रीजंस जो बिग बॉस को लगा, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक आई लाइक देम एज अ कंटेस्टेंट, बट नाउ आई थिंक एज वी हैव फ्यू कंटेस्टेंट्स लेफ्ट, आई थिंक फ्रॉम देम आई लाइक शमिता एंड राखी द वे दे आर प्लेइंग. ओके, सो लास्टली आप टॉप 3 एंड विनर किसको देखते हो? मेरे देखने से क्या होगा? बिग बॉस को देखना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से. लाइक जैसे मैंने कहा कि टू कंटेस्टेंट्स आई लाइक राखी एंड शमिता, एंड थर्ड वन आई थिंक रश्मि. या रश्मि वाज आल्सो प्लेइंग वेरी नाइस एंड आई लाइक रश्मि आल्सो, शी प्लेड विद यू नो डिग्निटी एंड आई लाइक हर एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल. एंड एज अ विनर, विनर विनर सी इन माय टॉप 3 लिस्ट दे ऑल वुमेन पावर. वुमेन पावर, आई थिंक विनर मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि जेन्युइनली मुझे ये तीनों ही बहुत पसंद है, तो मे द बेस्ट वन विन. थैंक यू सो मच मैम.
थैंक यू मैम. इट्स अ ब्यूटीफुल.